नगर निगम धर्मशाला में दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने कड़ा रुख इख्तियार करने का मन बना लिया है। नगर निगम में सफाई का जिम्मा संभाल रही निजी कंपनी विशाल प्रोडक्शन के खिलाफ जल्द व्यवस्था न सुधारने पर निगम ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का निर्णय लिया है। यदि फिर भी बात न बनी तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। नगर निगम धर्मशाला में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। निगम के 17 वार्डों में सफाई ना के बराबर हो रही है। नगर निगम धर्मशाला ने 17 वार्डों की सफाई का जिम्मा दिल्ली की निजी कंपनी के हाथों में सौंपा हुआ है, जिसमें निगम निजी कंपनी को हर महीने 16,93,000 रुपए सफाई के बदले में दे रहा है, जो कि सालाना 1,98,000 बनता है। लेकिन सफाई करने में ये निजी कंपनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिर 2 करोड़ में कहां और कैसे सफाई हो रही है। इस कंपनी के फेल होने का सबसे बड़ा कारण सफाई कर्मचारियों को समय पर पगार न मिलना भी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये कंपनी धर्मशाला में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को न समय पर पगार देती है और न ही ये कंपनी सफाई करने के लिए जरूरतमंद सामान व उपकरण मुहैया करवा रही है। इसके कारण सफाई कर्मचारियों को भी सफाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। नगर निगम धर्मशाला का सफाई टेंडर जब भी जारी हुआ है उसी समय से ये कंपनी विवादों में चल रही है। कई तरह के आरोप टेंडर हासिल करने वाली फर्म पर लगते रहे हैं। आम जनता ने तो सफाई व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद की ही है, लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम के पार्षद व मेयर भी सफाई ठेकेदारों के खिलाफ कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। सफाई टेंडर की शर्तों के अनुसार काम न करने के आरोप भी इस फर्म पर लंबे समय से लग रहे हैं। टेंडर के अनुसार शर्तों के मुताबिक नगर निगम के फायदे में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने और किसी तरह की बीमारी से निपटने के लिए हर महीने 600 लीटर फिनाइल, 900 किलोग्राम BHC और 1500 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाना था। इस संबंध में नगर निगम की मेयर रजनी व्यास का कहना है कि पिछले काफी समय से निगम में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कर्मचारी किस कारण से सफाई नहीं कर रहे हैं, इसका अभी तक उचित कारण पता नहीं चल पाया है। शहर में सफाई का जिम्मा संभाल रही निजी कंपनी विशाल प्रोडक्शन को ठीक से सफाई न करने के चलते निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस विषय पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया है। अब निगम ने फैसला लिया है कि यदि 2-3 दिनों में कंपनी ठीक से सफाई नहीं करती है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही MC एक्ट के तहत कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। 3 दिन से इस तरह की खबरें आ रही है और मैं खुद भी गई हूँ साइट पे, और जो हमारे सफाई कर्मचारी वो टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि उनके जो पेमेंट जाती है उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन किस कारण वो सफाई नहीं कर रहे हैं उस कारण का हमें भी पता नहीं चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमने विशाल प्रोडक्शन को दिया है और उसको हमने बार बार नोटिस भी दिए कि हमारी शहर में सफाई ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने उस नोटिस का कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया है। अब हमें ये लग रहा है कि उस कंपनी के खिलाफ हमें FIR, अगर 2 दिन के अंदर उन्होंने अगर शहर को साफ सुथरा नहीं किया तो 2 दिन के अंदर उनके खिलाफ हम FIR करेंगे, और एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी अगर ढंग से काम नहीं करती तो उसके खिलाफ हम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। तो ब्लैकलिस्ट की ओर भी हम लोग एक्ट को फॉलो करते हुए उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक फेलियर भी नजर आ रही है, क्योंकि कूड़े को लेकर बार बार हम लोग अपने ऑफिसर से बोल रहे हैं कि ढंग से सफाई नहीं हो रही है, तो मौके पे शायद वो जा नहीं रहे हैं या देख नहीं रहे हैं। उसी वजह से ये ऊपर जितने भी हमारे मैकलोडगंज एरिया में डंपिंग साइट बनी हुई है हमारे कूड़े की। धर्मशाला के स्थानीय निवासी बिंटू सूर्यवंशी का कहना है कि यह बड़े ताजुब की बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े जिले के मुख्य कार्यालय हैं और इन कार्यालयों के आसपास ही इतने कूड़े के ढेर हैं, तो आप दूसरी जगह की सफाई व्यवस्था का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। कैसे देख रही हैं? देखिए, धर्मशाला में जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी गंदगी का ढेर है, आधा दिन बीत चुका है, लेकिन जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी है या जिस भी कंपनी को नगर निगम ने टेंडर दिया है वो कर्मचारी मुझे लगता है सफाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऑफिस है, जिलाधीश कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और साथ ही साथ DPRO भवन यहाँ पर है और डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस भी यहाँ पर है। अगर इन ही बड़े ऑफिसों के आसपास इस तरह के गंदगी के ढेर हैं तो 17 वार्डों के क्या हालत हो सकते हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नगर निगम द्वारा
हर महीने लाखों रुपया खर्चा जो है वो सफाई व्यवस्था के नाम पर कंपनी को दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर कोई भी सफाई व्यवस्था नजर नहीं आती। ऐसे में नगर निगम को सफाई व्यवस्था के बारे में सोचने की जरूरत है। इस बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर आरएस राणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आने वाला समय गर्मियों का है और गंदगी होने से कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। गर्मी आ रही है और यदि सफाई व्यवस्था उचित ना हो तो कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो गर्मियों में बहुत ज्यादा फैलती हैं? हमें स्वच्छता की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके आसपास सफाई नहीं है तो सफाई ना होने के कारण डायरिया, डिसेंट्री, वायरल हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, टाइफाइड, वर्म इन्फेस्टेशन आदि जो बीमारियां जो है कि इससे फैल सकती है। हमें इससे बचने के लिए ये जो बीमारियां ना हो, एक तो हमें अपने आप आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए और खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और सो जाने से बाद में भी हाथ धोने चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। मेरा यही संदेश है कि हमें सभी को अपनी स्वच्छता की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जितनी आपके आसपास स्वस्थ वातावरण होगा उतनी आप बीमारियों से बच सकते हैं। और जो बीमारियों के ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर आपको इलाज के लिए पैसा खर्चना पड़ता है वो नहीं पड़ेगा।